बचपन में जब मैं डांस करती थी, क्योंकि घर में मना था तो मैं मतलब अपनी रूम में लॉक करती थी, या कभी कभी मैं भूल जाती है लॉक करने के लिए, तो दरवाज़ा खुला है और मैं डांस करती हूँ रूम में, और मेरी माँ ऐसे ऐसे खुलती है, क्या कर रहे हो? नथिंग, कुछ नहीं, बाल कर रही हो, मेकअप कर रही हो. दरवाजा बंद करती है. दो मिनट के बाद नोरा नोरा ऐसे ऐसे कर, ए, क्या कर रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, डांस कर रही थी, चल आ जा डांस. मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ. तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है? और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फ़ायदा भी उठा सकते हैं, गलत भी. वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते हैं, उससे आप एथलीट बन सकते हैं, उससे आप अच्छे काम कर सकते हैं, उससे आप डांसिंग भी कर सकते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करें. कोई बोला क्या मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा. वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते. तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो. जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे ख्वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें. हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली दे आर डिग्रेडिंग द वुमेन. इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन दे आर डिग्रेडिंग टू अ स्टेटस ऑफ मिस्ट्रेसेस, कॉन्क्यूबाइन्स, सोसाइटी बटरफ्लाइज विद अ हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं. वो उसूलन क्या कर रहे है? मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे है? वो खवातीन को जलील कर रहे है. मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है बीएमडब्ल्यू का, आप ने सुना होगा बीएमडब्ल्यू के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है. मर्सिडीज का स्टेटस है, बीएमडब्ल्यू का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है. उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड, मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि बीएमडब्ल्यू की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो एड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार. टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको, लड़की को क्या गाड़ी को. तो इस एड के जरिए, ये एड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारी बीवियों को बेच रहा है. मैं पूछता हूँ, गाड़ियाँ अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है. तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे. इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं, इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते. इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए,
सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं वीटी में काम करती हूँ काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मजहब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन नास इन्न खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुबा व क़बाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह यत्क़ाकुम इन्न अल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुबहाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को, ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य।